I disapprove of what you say, but I will defend to that your right to say it was his attitude. Another version of the non-quote. I detest what you say, right? But I would give my life to make it possible for you to continue to write. जो कुछ तुम कहते हैं मुझे घिन आती है उसे, लेकिन कहता है मैं सारी अपनी जिंदगी दे दूंगा इस काम के लिए कि आप लिखते रहे। अगरचे मुझे घिन आती है आपके लिखने से, लेकिन मैं आपके लिखने के राइट के लिए मैं जान सारी और अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा। द ओनली टाइम वॉल्टेयर हिमसेल्फ एक्सप्रेस अ सिमिलर सेंटीमेंट अपीयर्स इन हिज ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस, थिंक फॉर योरसेल्फ, ही टोल्ड हिज रीडर्स, एंड लेट अदर्स एंजॉय द प्रिविलेज टू डू सो टू। यानी हर बंदे को कहा जाए कि अपने बारे में सोचो, अपनी सोच को एक्सप्रेस करो, वही फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात है। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ थिंकिंग और सेल्फ के बारे में गौर करना, उसे जानना और जानने के बाद उसको एक्सप्रेस करना, कहता है इससे दुनिया में तब्दीलियां वाकई होनी है पॉजिटिव। अगर आपने कॉपिंग करनी शुरू कर दी तो फिर आप तो कहीं ना हो, कहीं भी नहीं है आप तो कॉपी पेस्ट है। वेयर इज द ओरिजिनलिटी? What does freedom of speech do? फिर होता क्या है? Why we are in favor of freedom of speech? Triggers creativity, open the door to inventions and discoveries, make the democracy to deliver, compel the people in power to perform, lead the societies and nations to shine on the planet, and individuals to make use of their hidden potentials and save these from going waste into the graveyard, as in the third world it is happening. Criticism and dialogue sieve out the truth and reality from falsehood. ये है जब सबको इजाजत दें क्रिटिसाइज करने की तो दुनिया में फिर सच ही बचता है, झूठ सीव आउट हो जाता है। If all things that you told are not come in paper, it changes our mindset and way of thinking. Beyond a shadow of doubt, your lectures are very beneficial for us, Shri Damini. Thank you, ji. Anybody who wants to talk, they can raise your hand. तो फिर सुनते हैं। जवेरिया हसन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्ला। सर मेरा आपके पास थर्ड मंथ चल रहा है, यानी कि अब थर्ड मंथ खत्म हो जाएगा। मैं आपसे वही बात करना चाह रही थी कि मेरा मेरे अंदर इतनी चेंजिंग आई है आपका आपके लेक्चर सुनकर, और इतनी ज्यादा कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। थैंक यू वेरी मच जी। सर पहले मैं अपने आप को लूजर समझती थी, लेकिन अब मैं नहीं रही हूँ। मैं मुझे अपने प्रिंसिपल्स के साथ किसी मकसद के साथ जीना आ गया है। मतलब आपके लेक्चर सुनकर मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजिंग आई है। इंशाल्लाह अगर ब्यूरोक्रेसी में जाऊंगी ना, जैसे आप कह रहे थे वैसा ही करेंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत खुशी होगी, आपकी आखिरत बन गई। आप ऐसे समझे आपने हमारा फ्यूचर बता दिया है। अल्लाह ताला आपको अजर दे, और आप तो बिल्कुल मतलब ऐसे समझे मुफ्त में ही मतलब इतना ज्यादा पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छे लेक्चर दे रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला आपकी आखिरत के लिए रखेगा, इंशाल्लाह अजर देगा। सर मैंने तो वैसे ऐसे ही मतलब मुझे नहीं पता था आपके यूट्यूब लेक्चर सुने थे, फिर मैंने कर दिया था। पता नहीं क्या ऐसी पता नहीं की थी या फिर अल्लाह ताला ने ऐसे आप जैसे टीचर दे दिया है। देखो जी मेरी बड़ी दुआएं आपके लिए बेटा, अल्लाह आपको कामयाब करे। यू आर वेरी नाइस पर्सन, और अल्लाह ब्यूरोक्रेसी की बड़ी सीटों पर लेकर जाए और हमें इतनी जिंदगी दे कि हम आपको उन सीटों पर देखें। मुझे इतनी खुशी होगी, मैं बड़ी खुशी से दिल से आपके लिए दुआ करूंगा। और आप में ये एबिलिटी है ये मैं आपको बताऊँ, पूरी मेहनत करें और आगे जाएं। आप जैसे लोग ही ब्यूरोक्रेसी में होने चाहिए। आपकी सिंसेरिटी इखलास मुझे नजर आ रहा है। थैंक यू सर। सर आप जरूरत है। जी जी सर आप मुखलिस हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप इतना एक डायरेक्शन देते हैं, आप उनको बताते हैं स्टूडेंट्स को, सिर्फ डी के लिहाज से आप मोरल लिहाज से भी हमें हर तरह से समझाते हैं। तो सर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आपकी जैसे सोच वाला इंसान पहले कभी नहीं देखा सच में। लो जी अक्सर लोग ऐसे कह देते हैं। नहीं सर मेरे साथ तो ऐसे हुआ है। उसने ज्यादा मेरे
मैंने नहीं देखा था, शायद हमारे पास, मैं इस एरिया में रहती हूँ जहाँ पे अब तो ऐसे लोग होते नहीं है। मैंने यूट्यूब पे भी तो नहीं देखा इस तरह का, मतलब आप, मतलब आपका अंदाज ऐसा है हर लिहाज से, मतलब आप अच्छा गाइड करते हैं। थैंक बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान, बहुत यू शुक्रिया, सर, बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह। अल्लाह हाफिज।